ज्वालामुखी से बढ़की ज्वाला करेगी प्रदेश में भाजपा को राग। इतिहास साक्षी है कि भाजपा में बिखराव तथा गुटबाजी की चिंगारी हमेशा ज्वालामुखी से ही बढ़की है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने रमेश द्वाला के उस बयान के संदर्भ में कही, जिसमें उन्होंने भाजपा हाईकमान में अपनी कोई सुनवाई नहीं होने की बात कही थी। हिमाचल भाजपा में अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भयंकर गुटबाजी के रास्ते के ऊपर अग्रसर हो चुकी है। ज्वालामुखी से भड़की ज्वाला आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जला के राख करेगी। इतिहास साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव की और गुटबाजी की नींव हमेशा से ज्वालामुखी में रखी गई, और हाल ही में ज्वालामुखी के विधायक, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने जिस प्रकार से अपना रोना रोया है, दुखड़ा रोया है कि भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान में उनकी कोई नहीं सुनता और बागी तेवर अपनाए हैं, और इसके अतिरिक्त ऊना जिला के एक मंत्री ने भी पिछले दिनों शासन और प्रशासन में अपनी अनदेखी का दुखड़ा रोया था, उसे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंत्री और विधायक हैं वो उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं और मजबूरी में कड़वे घूंट पी रहे हैं। इंदु गोस्वामी का इस्तीफा और उसके बाद उपजी स्थितियाँ, ये सारी इस तरफ इशारा करती हैं कि भाजपा जो है वो खराब की तरफ, गुटबाजी की तरफ और अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ रही है। और एक और चीज़, सतपाल सत्ती जी ने कांगड़ा में त्रिदेव सम्मेलन में कहा कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो टिकट के लिए आवेदन नहीं करेगा, लॉबिंग नहीं करेगा, टिकट नहीं मांगेगा, उसको पार्टी का जो अनुशासन है उसके खिलाफ माना जाएगा। तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश के लोकतंत्र के लिए तो घातक थी ही, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी पूर्णतः लोकतंत्र खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उपचुनाव जो आने वाले समय में हिमाचल के अंदर होने जा रहे हैं उनमें यहाँ तक कि आवेदन करने की स्थिति में भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, जो स्पष्ट करता है कि भाजपा का लोकतंत्र में कोई विश्वास रहा नहीं।